अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी। कल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा अपसेट था। कल तीन मैचेस हुए जिसमें दो मैचेस में तो तकदीर ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन जो एक मैच था जिसपे सारे पाकिस्तानी जो है वो रिलाई कर रहे थे, इनसार कर रहे थे और बहुत सारी दुआएं कर रहे थे कि काश ये मैच इंडिया जीत जाए, लेकिन इंडिया लॉस्ट द मैच। और इंडियन क्रिकेट टीम की जो वो बॉडी लैंग्वेज थी, जो इंटेंट थी, वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आई। उनका कॉन्फिडेंस जो था वो उस तरह से नहीं था। परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल हम बात करें तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, और इस पर ज़्यादा मैं नहीं अपना तज़िया पेश करूंगी। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया जी टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल साहब ने। बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में, और इस पर बात करने के लिए आज एक को एंकर, ये हमारे आज एनालिस्ट नहीं है, को एंकर है इरफान जहीर साहब जी, हमें असिस्ट करेंगे। इरफान जहीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अदनान साहब का बहुत शुक्रिया, आज इन्होंने हमें स्पेशल टाइम दिया और इस डिस्कशन का पार्ट बनेंगे। अदनान साहब, पहला क्वेश्चन आते साथ ही बारिश, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर हम देख रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप से हम बात कर रहे थे कि हमारी जो टीम की जो अप्रोच है वो अग्रेसिव नहीं है, इंटेंट जो नज़र आती है वो एक सर्टन टाइप ऑफ क्रिकेट या ओडीआई के टाइप की क्रिकेट का हम खेल रहे हैं, और हमारा जो टोटल होता है वो सम हाउ हम देखते हैं, चाहे तेज़ भी खेलें। बल्कि मैं आज एक मॉर्निंग शो में भी हम बात कर रहे थे कि हमारा एक स्टैट ये है कि अगर बाबर और रिजवान आउट नहीं होते, ये मैंने क्वेश्चन आगे पूछ रहा था लेकिन इसी के साथ ही आपकी तरफ थ्रो कर देते हैं, तो पाकिस्तान का जो पार स्कोर है वो 155 से 160 है, और अगर ये दोनों लंबा खेले तब भी 160 और कम आउट हो जाए जल्दी 25 से तो 155 के करीब है, अगर नहीं आउट होते तो 160 है। तो ये तीन चार स्कोर का फर्क है अगर ये आउट ना हो तो ये कैसे देखते हैं सब? देखें, पहले तो देखना पड़ेगा कि आपकी गेम अवेयरनेस क्या है, उस टाइम पिच डिमांड क्या कर रही है, कि आपने किस तरह का बैटिंग आउट बैटिंग करनी हो जिससे रन रेट अच्छा हो, आप 180 तक जाएं। तो यहाँ पे टॉप ऑर्डर अगर पिच अच्छा है तो तब भी उसी तरह की क्रिकेट देखने को नज़र आ रही है, अगर पिच मुश्किल है तो फिर स्ट्रगल करती हुई टीम नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर का भी इशू है, कि अगर आप बाबर और रिजवान की बात करें तो ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं बहुत देर से ये ओपन कर रहे थे, क्योंकि एक नंबर वन रहा भी है बाबर, क्योंकि लेजेंड है पाकिस्तान का, उसके बाद रिजवान भी नंबर वन रहा है बल्कि तो कहीं ना कहीं आके इन दोनों के सराउंडिंग में सारी टीम घूमती है। अगर दोनों में से अगर जरूरी नहीं कि रिजवान है तो उसने ओपन ही करनी है, समटाइम आपकी टीम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है जो इन दोनों को सूट नहीं कर रही। वर्ल्ड कप में कल 49 किया है रिजवान ने, बहुत अच्छा खेला, कहीं ना कहीं 91 रन पे भी हमारे चार आउट हो गए। तो हमारे जो दो ओपनर जा रहे हैं बाबर और रिजवान जो है, इनकी वजह से तीन बैट्समैन जो है ना वो जो ओपन में है, ओपन खेलते थे, वो मिडल ऑर्डर में आ गए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक बंदे को स्टेप बैक करना चाहिए, और वर्ल्ड कप को जैसे एशिया कप में इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी तो वहाँ पे एक बंदे को स्टेप बैक करना चाहिए था और फ्यूचर देखना चाहिए था। जो वर्ल्ड कप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था पूरी दुनिया के लिए। रोकना चाहूंगा, ये इनके ना अक्सर ये बाबर इनके कजन भी हैं और वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, घर में क्रिकेट उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ क्रिकेट आप रात को बड़ी खेलते हैं, तो उधर क्या सूरत हाल यार, वहाँ पे तो बाबर जो था वो मिडल ऑर्डर ही जाता था बाबर वहाँ पे जब खेलते थे, हम सब कजन है तो जब खेलते थे तो बाबर हमें हमेशा सब भाइयों को जैसे मुझे भेजना, उसने सबको देना, बॉलिंग करता था और बाद में वो बारी तो लेने आता था। क्यों नहीं आप उनको कि ये चेंज करके भी देख रहे ये क्या कर रहे हो उधर भी देखो अगर मैं पॉजिटिव वे से बात करूं तो बाबर ने पाकिस्तान के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं, ओपन में जाके उसने सेंचुरीज भी किए हैं, नंबर वन भी रहा है तो उसी पोजीशन पे रहा है, पर कहीं ना कहीं आके प्रेशर उसके ऊपर बिल्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि कैप्टनसी भी कर रहा है और साथ अपनी बैटिंग भी कर रहा है। तो जब दोनों चीज़ें सही चल रही थी, बैटिंग चल रही थी तो कैप्टनसी भी, सारी चीज़ें जो है उसके फेवर में जा रही थी। अब ना अब उसके पास उस तरह परफॉर्म नहीं हो रहा है या सारा बैटिंग उस तरह नहीं हो रही जैसे इंग्लैंड के खिलाफ, एशिया कप के में और वर्ल्ड कप में, तो उस तरह रन नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद फिर जो प्रेशर आ गया उसके कैप्टनसी पे भी आ गया और बैटिंग पे भी आ गया। तो मेरे ख्याल से अगर बाबर ने
विराट कोहली के पास पास जाना है या 25,000 रन करने हैं, तो फिर एक चीज उसको स्टेप बैक करनी पड़ेगी, कप्तानी के साथ फॉर्म वापस लानी पड़ेगी या कप्तानी छोड़ के अपनी फॉर्म लानी पड़ेगी वापस। बिल्कुल, इस ऑर्डर को, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, बैटिंग ओपनिंग करने वाला। अगर आपके पास तीन बैट्समैन है जो ओपन करते थे, रजवान और जब से बाबर आए, तो ये तीनों बैट्समैन जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू हो गए, उसमें फखर है, शान भैया और सनी, उसके बाद हैदर अली ओपन करता था, तो वो बेचारा आके पांचवे छठे पे आके बैटिंग कर रहा है, जो नया बॉल खेलने वाला है उसके लिए स्पिनर खेलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और बाबर रिजवान कैसे हैं, हैदर को भी लास्ट चौथे नंबर पे आपने सेलेक्ट किया था और उसको लास्ट मैच में जिम्बाब्वे गए छठे नंबर पे, आसफ अली के नंबर पे खिलाया। अच्छा, मैं इसी के हवाले से, बाबर के हवाले से एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। बाबर की परफॉर्मेंस हमने देखा कि जब नंबर वन भी थे रैंकिंग में तो पाकिस्तान उनकी कैप्टनशिप में कोई इवेंट नहीं जीत पाया, तो उसके लिहाज से क्या देखते हैं कि प्रेशर तो पहले भी बन रहा था और बात ये हो रही थी, अब मसला ये आया कि बाबर T20 में जब से हम देख रहे हैं वो शुरू से ओपन ही कर रहे हैं, वनडे में वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, उनकी पोजीशन जो साथ थी वो फखर के साथ थी या शर्जील के साथ कंपेनियनशिप बनती थी, अब जब वो एक ऐसी स्लॉट बनी जब फखर इंजर्ड हुए न्यूजीलैंड के अंदर और मिसबाह उल हक ने ओपन करवा दी रिजवान को और रिजवान ने उधर परफॉर्म कर दिया, तो वो स्लॉट फखर से छीन ली गई, दोबारा उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। दुनिया में ऐसा नहीं होता, जिसका जो स्लॉट होता है उसी पर रखा जाता है, जैसे आप भी बात कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि अभी भी फखर को ओपन करनी चाहिए और बाबर को नंबर तीन पे आना, क्योंकि रिजवान नंबर तीन पे नहीं आ सकता, उसकी रीजन ये है कि जैसे उसकी शॉट्स ब्लॉक हो जाती है, अभी भी इस वर्ल्ड कप में देखा कि टीम्स ने उनकी जो पुल जो हुक मारते हैं वो ब्लॉक कर दिए, तो उससे रन नहीं हो पा रहे, बट वो फिर भी दायरे का यूज कर लेता है, बट बाबर के पास सारी क्रिकेटिंग शॉट्स भी हैं, वो एंड में इम्प्रोवाइज भी कर लेता है, हिटिंग भी कर लेता है, तो बाबर तीन पे आके बेनिफिशियल हो सकता है। देखो, अगर बाबर की बात करें तो बाबर के पास बहुत शॉट है, वो 90 डिग्री पे खेलता है और बहुत चारों ग्राउंड की तरफ खेलता है। अगर रिजवान की बात करें, रिजवान जिस तरह नया नया आया था टीम में, तो उसमें वो डिफरेंट गेम खेलता था, अब जो खेल खेल रहा है वो डिफरेंट खेल रहा है, वहाँ पे वो स्ट्रेट ड्राइव भी मारता था, वो कवर ड्राइव भी मारता था, वो कट भी मारता था, यहाँ पे एक शॉट डेवलप उसने करने के लिए, मिड विकेट मारने के लिए अपनी तीन से चार शॉट ब्लॉक कर दिया। अगर आपने लास्ट मैच देखा हो तो वो थर्ड मैन खेलते हुए आउट हो गए इनसाइड की, जब बैट आपका बाहर से आता है या आप मिड विकेट मारना चाहते हो तो हमेशा बैट जो है वो बाहर की तरफ आता है और बीच में वो गैप बना होता है, स्टंप्स आपके खाली होते हैं। मिड विकेट मारने के लिए उसने तीन से चार शॉटें अपनी ब्लॉक कर ली हैं, टीमों ने उस पर वर्क किया है, ये शॉट नहीं खानी और जितना भी मैक्सिमम ऑफ स्टंप पे खिलाया जाए, क्योंकि ये कवर ड्राइव खेल नहीं रहा। आपने लास्ट मैच अगर देखा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो उसने एक शॉट मारी है जो बिल्कुल सामने बॉल था, उसको स्वीप किया, टॉप एच लगा और थर्ड मैन कीपर के ऊपर से वो 6 रन मिले, अगर वो मिस हो जाता तो वो आउट था। वहाँ पे नॉर्मली जब टीम में आया था वो स्ट्रेट खेलता था, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें इसने डेवलप करने के लिए, जो इसकी पॉजिटिव चीज़ें थी वो बिल्कुल इसने छोड़ दी है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल, इसी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स ऑन। अदनान साहब, कल तीन मैचेस हुए जिसमें दो ने जो किस्मत का साथ दिया पाकिस्तान के, लेकिन जो आखिरी मैच था जिस पे सारे लोग रिलाई कर रहे थे, पूरा हमारा भी इनसार था कि जी अगर इंडिया जो मैच ही जीत जाता है तो, लेकिन अगर बात करें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज की, उनकी इंटेंट की, वो एग्रेसिवनेस हमें उस तरह से नज़र नहीं आई और बहुत सारे लोग फिर सोशल मीडिया पर भी ये डिबेट कर रहे थे कि जी उन्होंने जानबूझकर ये मैच हारा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस तरह से खेलने में, उन्होंने प्लेट में रख के ये मैच उनको दे दिया। हमें याद करना पड़ेगा इसमें 2019 का वर्ल्ड कप भी, उसमें भी ऐसी पोजीशन थी और पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता था, पॉइंट्स टेबल पे सेम था, बट हमारा वेस्ट इंडीज में हारने की वजह से रन रेट काफी नीचे था, तो भारत का मैच जितना जरूरी था भारत ने वो मैच हारा और धोनी ने बड़ी स्लो बैटिंग की, तब भी इस तरह की डिस्कशन बहुत ज्यादा हुई थी। ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम तो अपने आप को करना कि हम बुरा खेले, बट आपका क्या कल का मैच देखने के बाद क्या कहना है? कल की अगर बात करें, मैच की बात करें, तो हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं इंडिया के ऊपर? इंडिया ने कभी हमारी फेवर नहीं की, वाय अपनी चीज़ें क्यों नहीं हम सही करते? अगर मैच की बात करें तो क्यों मैच हारा गया जिम्बाब्वे से? जिम्बाब्वे जैसी टीम से जब हारते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैच जो है वो वर्ल्ड कप से आपको बाहर ले गया, अगर वो मैच जीता होता तो 110% कल इंडिया जीता मैच, और क्योंकि मैच इस तरह खेला गया है। अगर बॉलिंग की बात करें, अश्विन की बॉलिंग की बात करें, तो ऐसी बॉलिंग की गई मिलर को, जो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया था वहाँ पर उससे बाउंड्रियाँ खाई गई, 15 रन खाए गए, उसके बाद अगला ओवर एक फास्ट
फास्ट बॉलर से करवाया जाता था जो बहुत अच्छा करता था, उसके बाद नेक्स्ट ओवर ऐसे बॉलर को दिया जाता था कि जहाँ पे वो रन्स ले सकें, और उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो उनको ज़्यादा उस जगह पे अगर एक बाउंड्री कट लगी है तो उसके बाद बॉलर जो है वो अपना बेस्ट बॉल करता है, वहाँ पर फिर एक बॉल करवाया गया कट पे जो मिस कर जाता है, ऊपर से बॉलिंग फुल लेंथ की जाए, बैकफुट बॉलिंग की जाए, पीछे बॉल मारा जाए स्पिनर का, कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ये बता रही थी कि शायद इंडिया जीतना नहीं चाह रहा और साउथ अफ्रीका को मैच जितवाना चाह रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है, अगर राम से मैच दे देंगे साउथ अफ्रीका को कहीं ना कहीं आईसीसी जो है या वो एंटी करप्शन जो उनका यूनिट है वो एक्टिव हो जाएगा। लास्ट मैच तक मैच जरूर गया, पर कल देखा गया कि इंडिया की लैंग्वेज बॉडी कुछ और बता रही थी और फेस जो थे वो कुछ और बता रहे थे। बैटिंग और बॉलिंग की तो समझ आती है कि चले आपसे अच्छा बैटिंग नहीं हो पाई, बॉलिंग नहीं हो पाई, ये फील्डिंग का क्या कल हमें नजर आया, विराट कोहली का कैच छोड़ना और इस तरह का डॉली किस्म का कैच, फिर रोहित शर्मा को जो रन आउट था वो तो खुद लगा सकता था। अगर स्टंप्स की बात करें तो बिल्कुल तीनों स्टंप्स उनके सामने थे, शायद 4-5 feet का फासला था, वहां पे बॉल नहीं लगी, रन आउट छोड़े गए, कैच छोड़े गया से, बॉडी कुछ और बता रही थी और फेस रिएक्शन जो है वो कुछ और बता रहे थे। आप देते हैं उनकी एक्टिंग स्किल्स को यार, सोशल मीडिया पर भी एक्टर बहुत इस पे बहस हो रही है, की बात करें तो शाहरुख खान से ज्यादा बड़े एक्टर आपने अगर इरफान भी एक चीज देखी होगी कि कल रोहित शर्मा जो कैप्टन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच खेल रहे थे तो उनका चेहरा बताता था कि वो कितनी टेंशन में है, और कल अगर आपने मैच देखा हो तो उस तरह नहीं था चेहरा, उनको परेशानी नहीं थी कि वो मैच हार रहे हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा मैच, अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग किस तरह आके की इंडिया ने, उसके बाद एक बंदे ने आके जो है उसने सूर्य कुमार यादव ने आके बैटिंग की, क्योंकि एक बंदे को रन्स करने थे, उसके बाद अगर बॉलिंग देखें न्यू बॉल के साथ सिंह ने क्या बॉलिंग अच्छी की, और आगे से इतना डेंजरस था बैट्समैन के लिए खेलना, वहाँ पर बॉल जो है वो लेंथ पीछे कर दें और उसके बाद उनके लिए चीज़ें आसान करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है इंडिया की तरफ से, इंडिया की अगर एबिलिटी की बात करें तो कल की अगर मैच की बात करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉलिंग करना, उनकी फील्डिंग करना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि सिर्फ कल साउथ अफ्रीका मैच खेलती इंडिया के साथ मैच खेलती। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी अब आ गई है, चलें जो कल तो जो होना था उन्होंने किया, अब पॉइंट टेबल पे देखे ना तो भारत अगर किसी तरह एक मैच भी हार जाता है वो फिर रन रेट पे बात रेट पे आ जाती है, और हमारे चांसेस अब देखे अगर लास्ट होप जो लाइव है वो इसी सिनेरियो में बन गई है। एक चीज तो आप याद कर ले, याद रखें जिंदगी में, कि जो चीट करता है ना क्रिकेट के साथ हमेशा क्रिकेट उसका बदला लेती, और होपफुली कि जो दो मैच है जिम्बाब्वे के साथ और बांग्लादेश के साथ कहीं वो मैच हार जाए और उसके बाद ये मैच का निकाला जाए कि भाई हमने वो मैच कैसे खेला और हम क्वालिफाई कर जाए, और फिर हम वहाँ यहाँ से क्वालिफाई कर जाए, वहाँ से इंडिया दोनों मैच आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की बात करें तो वो अच्छी क्रिकेट खेल दी है, बड़ी टीमों को सेटबैक कर सकती है, और हमने देखा इस वर्ल्ड कप में कि छोटी टीमों ने बड़ा सरप्राइज किया इंग्लैंड की टीम को, अगर इंग्लैंड की बात करें तो आयरलैंड ने सरप्राइज किया, 5 रन से वो मैच जीत गए, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो क्रिकेट किसी के घर की नहीं है, जो ऑन डे अच्छा खेलेगा वो बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो मैच हार सकती है इंडिया, ये आपको बता दिया मैंने। बहुत सही बात की अदनान साहब आपने कि मैच कोई भी हार सकता है, इंडिया भी हार सकती है, और बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी ये गेम है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या अभी भी कोई चांसेस हैं पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के? देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अब कल के बाद जो इंडिया ने किया है या इंडिया मैच हारा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए 90% जो है ना वर्ल्ड कप से ना क्वालिफाई करने का हो गया, क्योंकि एक तो इंडिया ने क्रिकेट उस तरह नहीं खेली, फेयर क्रिकेट नहीं खेली, उसके बाद अगर अब अपने मैच की बात करें जो हम जिम्बाब्वे का मैच आ रहे हैं, अगर वो जीत जाते तो फिर आज कल जैसे हम मैच खेले तो हमारे 4 पॉइंट होते, 4 के बाद अब 2 पॉइंट थे तो हम 8 पॉइंट पे फिनिश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अगर तीनों मैच भी जीतते हैं और फिर हम 6 पॉइंट होंगे, अगर कल साउथ अफ्रीका हार जाता है तो फिर मैच आना था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसमें से कौन जीता तो फिर क्वालिफाई उसने करना था, पर कल जो कंफर्म कर दिया इंडिया ने वो साउथ अफ्रीका को कर दिया कि अच्छा, वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई चले, वो तो हम आगे मैचेस में देखते हैं। थोड़ा सा दोबारा अपनी टीम की तरफ आते हैं, अदनान भाई कामरान अकमल का कल आपके बड़े भाई का एक इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि ठीक है बाबर को हमने एज ए फैमिली मेंबर बहुत सपोर्ट किया, सब कुछ था, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी इंडिविजुअल भी आ रही है और जो टीम के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है, बाबर को कैप्टनसी से स्टेप बैक कर जाना चाहिए और एज ए प्लेयर खेलना चाहिए, और अब इस पर कोई भी प्लेयर जो है वो लार्जर देन लाइफ ओबियसली नहीं होता, तो आपका
बाबर का कजन हो यहाँ एक्स क्रिकेटर होने के नाते क्या ठीक है? ठीक है, कजन है, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया और पाकिस्तान के लिए आगे कोई नज़र भी नहीं आ रहा उस जैसा बैट्समैन। अगर वो कैप्टेंसी करता है या नहीं करता ये तो पहले उसके ऊपर डिपेंड है, अगर वो नहीं करता तो उसके लिए आगे वाली क्रिकेट जो प्रेशर है या रन्स करने हैं या बहुत से रन्स करने हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो कैप्टेंसी अगर छोड़ता है तो उसकी रिस्पेक्ट उसी तरह ही रहेगी, वो कैप्टन हो या ना हो पाकिस्तान के लिए वो लेजेंड है और हमेशा रहेगा। उसके बाद अगर बात करें कामी भाई की तो हाँ ज़रूर प्रेशर आता है, जब आपसे रन्स ही होते हैं तो कैप्टनसी के ऊपर प्रेशर आता है, और बाबर जो है वो लेजेंड है और उसने रन्स करने लंबी क्रिकेट खेलनी है। आप यूनुस खान की मिसाल है, आपके पास विराट कोहली की मिसाल है कि जब वो उनके ऊपर पर्सनली जो परफॉर्मेंस होती है अगर वो नहीं उस तरह हो रही, अगर आप एज ए बैट्समैन खेलते हैं और साथ कैप्टनसी करते हैं, अगर आप बैटिंग में कुछ नहीं करें तो यूनुस खान चार दफ़ा उसने जो है कैप्टनसी छोड़ी है। विराट कोहली लेजेंड प्लेयर था, उसके ऊपर जब प्रेशर आया तो उसने सबसे पहले अपने आप को रखा कि मैं परफॉर्म करूंगा तो फिर मेरे लिए मेरी टीम को फायदा होगा, तो उसने कैप्टनसी छोड़ दी। तो बाबर जब मर्जी आएगा, जब फॉर्म वापस आएगी उसके लिए सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएगी, एक टाइम आएगा फिर दोबारा कैप्टनसी ले सकता है, पर उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरफ जाना चाहे। कोहली की अगर बात करें, कोहली की तो उसकी भी इसी तरह जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ। छोड़ा इसकी प्राइम एग्जाम्पल तेंदुलकर की बनती है, तेंदुलकर कैप्टन बने, दुनिया के नंबर वन बैट्समैन थे, बट परफॉर्मेंस नहीं, उन्होंने खुद स्टेप बैक किया। तो मेरा ख्याल है एक प्लेयर जो लार्जर देन लाइफ बनता है वो खुद इनिशिएट करता है। अच्छा थोड़ा सा मजीद बात करते हैं, बाबर पे एक और क्रिटिसिज्म भी है, आज बाबर के जरा ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। छोड़ दो यार, बेचारा ऑलरेडी इतने प्रेशर में है और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं। देखो मेरी एक अदनान साहब के दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा। देखें हमेशा देखें, हम भाइयों ने भी पाकिस्तान के लिए खेला, हमारी फैमिली में से एक और आया वो बाबर आजम आया, हमने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा जितना भी समझ ले क्रिकेट खेलिए तो पाकिस्तान के लिए खेलिए। बाबर इस टाइम खेल रहा है तो हमारी दुआएं उसके साथ है और हमेशा रहेंगी। नहीं क्वेश्चन हमसे फिर पूछना, हमारी भी यही दुआ है, क्वेश्चन हमने फिर पूछे। क्वेश्चन ये है कि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि टीम सिलेक्शन के अंदर भी बात हुई कि ये लड़के जो सिलेक्ट किए गए ये बाबर की मर्जी से किए गए। अभी तो मुझे लगता है कि जब खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड हम बुरे नोट पे वापस आए तो बड़ी उछाड़ पुछाड़ होगी और टॉप मैनेजमेंट और नीचे भी आएगा, सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे बाबर पे नजर आ रहा है। देखें अच्छा उसमें मेरा क्वेश्चन ले लीजिएगा प्लीज, उसमें ये है कि जिस तरह आसिफ अली, हैदर अली या खुशदिल शाह को लंबा रन दिया गया, हारिस सुहेल, शुएब मलिक को इंडक्ट नहीं किया गया, ठीक है, तो अब वो एक क्वेश्चन इन पे ये आ रहा है, ये उस्मान कादर की इंजर्ड होने के बावजूद साथ लेके जाना, ये कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म का शिकार है, ये फेवरेटिज्म में चलते हैं, दोस्तियां निभाई जा रही हैं, आप इस सारे क्रिटिसिज्म को जो बाबर के ऊपर खास तौर पे आ रहा है आप कैसे देखते हैं? देखें अगर बात करें सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो सिलेक्शन कमेटी जब बैठती है और कप्तान बैठता है, आपका कोच बैठता है, तो एक सबके मशवरे के साथ ही आपकी टीम बनती है। आई डोंट नो वो ज़्यादा प्लेयर जो मांगे बाबर ने मांगे या सिलेक्शन कमेटी ने दिए, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो एशिया कप से लेके इंग्लैंड की सीरीज हो, इंग्लैंड से लेके न्यूजीलैंड हो, न्यूजीलैंड से जो सफ़र था वो वर्ल्ड कप का था, तो किसी को ना किसी को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने सिलेक्शन सही नहीं की या आपके प्लेयर उस तरह परफॉर्म नहीं किए। अगर आपने प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट किया था तो प्लेयरों ने उस तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो किसी ना किसी चीज़ को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अगर प्लेयर्स की बात करें तो मैं प्लेयर्स जिस तरह इनको एशिया कप में प्रॉब्लम सॉल्व होना प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी तो वहाँ पे इनको देखना चाहिए था कि उस तरह के प्लेयर लेके जाते या उस तरह का कॉम्बिनेशन करते, बैटिंग ऑर्डर चेंज करते। यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है ना रिजवान स्टेप बैक कर रहा है ना बाबर स्टेप बैक कर रहा है, तो दोनों में से टीम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन फ्यूचर या वर्ल्ड कप के बाद या दो मैचों में तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो टीम के लिए बेहतर है वो करना पड़ेगा। रिजवान ठीक है नंबर वन है तो कहीं ना कहीं वो भी उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, बाबर उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, तो एक बंदे को नीचे रहना पड़ेगा टीम को संभालने के लिए। अच्छा उसमें एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम ये बात कर रहे हैं बड़े टाइम से कि अगर आपकी कैप्टनसी भी ऑब्वियसली अब अगर खुदा ना खास्ता हम आते हैं बुरा हार के तो आपके वो चेंज होगी, प्लेयर्स के हवाले से बताइए, बॉलिंग के अंदर भी देखा शहीन इंजर्ड था, प्रॉपर फिट नहीं था, हमें खिला दिया, फखर को भी लेके गया, फखर भी इंजर्ड था उसको खिला दिया गया, उस्मान कादर इंजर्ड था, तो आप इतने तीन चार का बल्क आप इंजर्ड प्लेयर का वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ले गए। दूसरा ये है कि मैं दो तीन प्लेयर के हवाले से आपकी राय लेना चाहूँगा, बॉलिंग लाइनअप के अंदर हमारे पास जो बेस्ट कमोडिटी थी पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए
तो वो मोहम्मद आमिर या वहाब रियाज थे। मेरा मानना है कि दोनों में से एक सीनियर प्रो आपका बॉलिंग लाइनअप के अंदर होना चाहिए था, जिस तरह हमने इंडिया के अगेंस्ट 3 ओवर में 48 रन कंसीड करवा लिए। इसी तरह बैटिंग के अंदर बात करें तो सबसे बेस्ट आपका इवन फखर से भी ज़्यादा जो रूथलेस क्रिकेट खेलता है, जो डेविस्टेटिंग किस्म की बैटिंग करता है, वो शर्जील है और डोमेस्टिक में हर फॉर्म पे उसने परफॉर्म करके दिया आपको, उसको नहीं रखा जाता। तो ये आपको क्या लगता है कि ये दो तीन प्लेयर, या अब्दुल्ला शफीक टेक्निकल अगर बात कर लेते हैं, लाहौर कलंदर को उन्होंने विक्ट्री के अंदर बड़ा अहम रोल था, तो ऐसे ये दो तीन नाम हैं, आपको लगते हैं कि ये अब वर्ल्ड कप के बाद जब आएंगे तो ये इट शुड बी द दे शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम? देखिए, पहले तो हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं या एशिया कप की बात करते हैं। अगर आपका वर्ल्ड कप था तो आपको पहले से प्लान करना चाहिए था कि ऑलरेडी जब आपने एशिया कप देखा या होम सीरीज देखी थी, तो आपको उस वो प्लेयर पाइपलाइन में लाने चाहिए कि आप यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है कि जैसे आप 30 के होते हैं तो आपको कहना शुरू हो जाता है कि आपका कैरियर ख़त्म हो गया क्रिकेट का। अगर इंडिया के मिसाल लें, कार्तिक को लेकर आए, सामी को लेकर आए, फास्ट बॉलर मोहम्मद सामी उसको लेकर आए, जहाँ पे भी किसी प्लेयर की ज़रूरत होती है वो उसका एज मैटर नहीं करती, वहाँ पे उसका मैटर करता है कि आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस प्लेयर की ज़रूरत है तो वो फौरी टीम में लेकर आते हैं। सबसे बड़ी मिसाल है शुएब मलिक की। शुएब मलिक अगर मिडल ऑर्डर में होता तो कहीं ना कहीं आपका जो मिडल ऑर्डर था वो स्टेबल कर जाता, वो ऐसा प्लेयर था जो मैच भी चलाता और साथ अपने प्लेयरों को भी खिलाता है। वो रोल कर रहा है विराट कोहली, वो उसको हमने मिस किया। उसके बाद शर्जील की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, शर्जील की मैं बाद में बात करें, इफ्तिखार की बात करें, खुशदिल की बात करें, हैदर अली की बात करें, और कितने बैट्समैन थे जो उनकी जगह पे रिप्लेस करके, शर्जील था, आमिर बड़ा अच्छा बॉलर था, जैसे शहनशाह अफरीदी अनफिट था, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन थी। उसने इंडिया के खिलाफ परफॉर्म भी किया था। तो वाई एक पर्सन मैटर जो है, जो पर्सन इशू है, उनको एक छोड़ के एक साइड पर रख के क्या हम पाकिस्तान के लिए नहीं सोच सकते कि हमें उन प्लेयरों की ज़रूरत थी? अगर वो होते तो पाकिस्तान की जो इस वर्ल्ड कप में पोजीशन है, या हम डिपेंड कर रहे हैं इंडिया के मैच के ऊपर कि साउथ अफ्रीका हारे और इंडिया जीते, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी थी। हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रखना पड़ेगा, उसके बाद जो जिस प्लेयर की ज़रूरत होती है उसको खिलाएं, और जब हकदार को हक मिलता है तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। बिल्कुल अदनान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सारे डिफरेंसेस को दूर करके हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान की टीम जीते। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल के मैच की बात करें, पाकिस्तान का जो मैच था नीदरलैंड के साथ, पाकिस्तान ने ये मैच जीता, क्या कहेंगे कल? क्या उन्होंने अपनी गलतियां दूर करने की कोशिश की है? देखें, अगर कल की बात करें तो नीदरलैंड का जो कोच था उसका मैंने इंटरव्यू सुना, वो कहता है कि हम पाकिस्तान को हरा सकते थे और वो कहीं ना कहीं आके 50% उनका प्लान वर्क कर जाता अगर हमारे फास्ट बॉलर आके आउट ना करते। उन्होंने कहा टॉस जीत के बैटिंग करने का ये मकसद था कि पाकिस्तान की बैटिंग उस टर्न नहीं परफॉर्म करी, तो उन्होंने कहा अगर 140 या 150 या 130 भी करें, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ हम एक रन से ज़रूर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो सारे बैट्समैन थे वो आउट हो गए थे और एंड पे जाके जो है वो एक मैच हार गए। अगर जब उन्होंने नीदरलैंड की बात करें तो उन्होंने प्लान ठीक किया था, क्योंकि उनके पास बॉलिंग ऐसी थी, उनके पास स्पिनर ऐसे थे, तो कहीं ना कहीं वो 140 करते तो फिर भी हम कल मैच हार सकते थे, क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर जो है 4 बैट्समैन, अगर रिजवाना रन करता तो हमारे 4 बैट्समैन भी 191 में आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका प्लान वर्क कर जाता। अगर बॉलिंग की बात करें तो हमेशा यही सुना जाता है कि बॉलिंग, अगर इंडिया के मैच की बात करें, इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें, तो वहाँ पर 4 आउट कर दिए थे इंडियन जो टॉप के बैट्समैन थे। उसके बाद पर जब मैच आ रहे हैं तो कहते हैं जी कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। अगर जिम्बाब्वे के मैच की बात करें या नीदरलैंड के मैच की बात करें, बॉलिंग तो परफॉर्म कर रही है, पर कहीं ना कहीं आके जो क्वेश्चन मार्क है वो बैटिंग के ऊपर है कि बैटिंग उस तरह नहीं परफॉर्म कर रही। जब आपके बॉलर्स काम करें, फील्डिंग अच्छी करें, तो एक डिपार्टमेंट रह जाता है जिससे आप मैच जीते, वो है बैटिंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैटिंग और बॉलिंग। फील्डिंग तो आपको सपोर्टिंग रोल करती है, पर अगर एक काम अच्छा हो रहा है तो दूसरी जगह पे गैप है, बैटिंग में गैप है। कोई बंदा, अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम टीम से बाहर हो जाएंगे, अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के लिए कोई नहीं खेल रहा। टीम के लिए अगर कोई खेल रहा है तो कल इंडिया साउथ अफ्रीका की बात करें तो मिलर जो था 59 रन उसने किए, और आपको पता है उसकी आंखों में आंसू थे, उसको पता था कि उस मैच की वैल्यू क्या है। उस मैच के बाद उनका क्या सफ़र शुरू होगा, वो सेमीफाइनल को होगा। अगर जिम्बाब्वे से मैच आ रहे हैं तो जिम्बाब्वे से पूछे कि पाकिस्तान से जीत के उस मैच की वैल्यू क्या है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है कि हमारा
मिडिल ओवर में हमारी टीम का एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, चाहे बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें। इंडिया के खिलाफ भी हमने 4 आउट कर लिए, फिर थोड़ा सा हमने ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड की अपने स्पिनर को लगा के, वो थोड़ा सेटल डाउन हुए, फिर हम एंड में उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। इसी तरह जिम्बाब्वे का मैच भी देखते हैं तो 97 पे हमने 7 आउट कर लिए, 3 विकेटों से हमने 33 रन करवा लिए। तो आपको लगता है कि बॉलिंग में भी हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं मिडल में, और इसी तरह हम बैटिंग के अंदर तो प्रॉब्लम है ही है जिस तरह आप कह रहे हो कि हम थोड़ा सा अगर स्टार्ट मिले या ना मिले मिडल ओवर में हमारे फंस जाते हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं हम कर पाते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्राइम एग्जाम्पल हमें ग्लेन फिलिप की देना पड़ेगी, जब न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे 15 पे 3 आउट हो गए थे, वो खेलने के लिए आए और उधर से उन्होंने अपना टोटल को 170 तक लेके गए और सेंचुरी स्कोर की। तो ये कैसे देखते हैं आप? अगर एलन की बात करें जो विकेट कीपर था न्यूजीलैंड, उसने 100 रन किए, उसके 92 रन किए। उसके बाद फिलिप्स की बात करें तो उसने भी वहाँ पे रन किए जहाँ पे टीम को उसकी ज़रूरत थी। अगर कल के मैच की बात करें, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे रख दें, अगर सूर्य कुमार यादव की बारीकी बात करें तो वो मोस्ट कलरफुल, जहाँ पे देखें अगर आपका 40 रन करें, आप 30 रन करें या जिम्बाब्वे से एक रन से मैच आ रहे हैं तो वो आपके वैल्यूबल होते हैं जिससे आपकी टीम जीतती है। और दूसरे अगर बाकी जो आप मिडिल ऑर्डर की बात करें, अगर जिम्बाब्वे की मैच को उठा कर देखें तो हमारे बॉलर्स ने 4 ओवरों में के 5 ओवरों में जिम्बाब्वे का पावर प्ले में 40 रन से, और हम जब बारी लेने आए तो हमारे 5 से 6 ओवरों में शायद 35 रन से, जहाँ पे हमें तेज खेलना और जहाँ पे हमें तेज खेलना चाहिए था वहाँ पे हम रोकते रहे, वो पावर प्ले था, और जहाँ पे हमें इनिंग्स बिल्ड करनी थी, मैच को लंबा लेके जाना था, वहाँ पे हम हिटे करते रहे, जिसकी वजह से हम जिम्बाब्वे से मैच हारे। गेम अवेयरनेस आप लोगों को देखनी पड़ेगी एज ए टीम, जब आप टीम में खेलते हैं तो फिर आपको कंडीशन को देखना पड़ता, आपको गेम अवेयरनेस को देखना पड़ता, आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंडों की बात करें या पिचेस की बात करें, यहाँ पे जो टेक्निकल साउंड होगा, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, बॉल की लाइन में आके खेलेगा, उसके लिए सारी चीज़ें आसान है। जो आप पावर हिटिंग की बात करें या दूर मारते रहेंगे, उनके लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। गेम अवेयरनेस देखनी हो देखते तो आज ये पाकिस्तान के हालात ना बनते, और अगर सिचुएशन को देखते, ग्राउंडों को देखते, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डबल्स का ज़्यादा मैच था, गैस में खेलने का ज़्यादा प्लेयरों के पास टाइम था, जो नहीं देखने को नज़र आया पाकिस्तान टीम की तरफ से। जी अदनान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि गेम अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है, सारी सिचुएशन को हैंडल करना, समझना, और फिर प्रेशर को लेना भी बहुत ज़रूरी है। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करे। आपके तज़िए का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो देखें, हर एज ए क्रिकेटर मैं भी हुआ हूँ कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। एक मैच जो जिम्बाब्वे से हारा, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान टीम बहुत कुछ कर सकती थी और बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा थी कि बहुत कुछ कर सकती, जो देखने को नहीं नज़र आया। पर्सनली हम भी हर्ट हुए हैं कि पाकिस्तान उस जगह पे आके खड़ा हो गए जहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। आई विश कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा फिनिश करे, अच्छा आगे परफॉर्म करे। बिल्कुल, हम सबकी यही दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं जो है पाकिस्तान की टीम के साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज आपने बहुत अच्छा असिस्ट किया, और अदनान अकमल साहब का जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे आज स्पोर्ट्स ऑन का भी वक्त खत्म हो चुका है। मुझे अदनान साहब और इरफान साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।